विश्व में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया कि पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है। हम सभी छात्र इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि परीक्षा को निरस्त कर अगली कक्षा में पदोन्नति कर प्रवेश दिया जाए। इस मौके पर अभय शाही, अविनाश तिवारी, अंकित, सुशील चंद्र ओझा, अंकुश सिंह, ऋषभ दुबे, सौरभ कुशवाहा, विपुल सरोज, आदित्य त्रिपाठी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा, मनीष ओझा, छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पे आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमारी मांग है कि स्नातक के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को उनके आगामी कक्षाओं में प्रोन्नत किया जाए, क्योंकि अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में और चाहे कहीं भी पूरे देश में भी देखिए महामारी का माहौल इस कदर भयावह है कि कोई ना कोई संक्रमित पाया जा रहा है और जो उनके ज़िंदगी के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं, क्योंकि हम लोग एक छात्र नेता हैं, पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि छात्र छात्राओं के हित की बात को सोचना। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन और गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति इनसे अनदेखी करके और गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा का आयोजन कराने वाले हैं। हम लोग उसके विरोध में आज हम लोग धरने बैठे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई और हमें आश्वासन नहीं मिला, कोरा आश्वासन तो बहुत मिला, 23 मई को मैं कुलपति जी से हमारे 5-6 छात्र नेता भाई साथ गए थे, उसके बाद लगभग दर्जनों उनको उनके कान में संज्ञान डाला गया कि हमारी मांग को माना जाए, प्रमोट किया जाए छात्रों को, लेकिन कुलपति ने हमारी बातों को नहीं माना। जुलाई के प्रथम सप्ताह से गोरखपुर विश्वविद्यालय और तमाम महाविद्यालयों में परीक्षा का आयोजन करने का आदेश पारित किया है। हम उस आदेश का खंडन करते हुए आज यहाँ बैठे हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि बगल का जो हमारा विश्वविद्यालय है MMM, वहाँ पे भी छात्रों के प्रमोट करने की मांग को सुना गया और छात्र को प्रमोट किया गया, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय जस्ट एक ही जगह का, गोरखपुर का दोनों विश्वविद्यालय, लेकिन यहाँ पे हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके विरोध में आज हम लोग धरने बैठे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, हम लोग ऐसे धरने बैठे रहेंगे। मुझे पता है कि यहाँ पे आज कोरोना महामारी फैला। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में एक कर्मचारी की पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन आप किस बिना पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र और छात्र बहनों को और महाविद्यालय में किस बिना पे आप परीक्षा करा रहे हैं? क्या आपके यहाँ सैनिटाइजर मशीन की व्यवस्था है? विश्वविद्यालय परिसर में कहीं नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन केवल एक अपना कोरम पूरा करने में लगा हुआ है। आज हम लोग उसी के विरोध में आप धरने बैठे हैं। हमारी जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे।